हे हेलो एवरीवन, मैं हूँ रागिनी पांडे और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। गाइस, आज हमारे यहाँ पे शादी के बाद एक प्रोग्राम होता है जिसे मौरी की पूजा कहा जाता है। तो वो है जो शादी के मतलब मुहूर्त पे होता है, 2 से 3 दिन बाद। आज वही है और उसके लिए आज सारी तैयारी चल रही है। गांव में जितने हमारे रिश्तेदार हैं वो सारा ये सब आज खाना यहीं पर खाने वाले हैं। उन सबका खाना वगैरह आज यहीं पर बनेगा और तैयारी चालू चुकी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ चलिए क्या हो रहा है। और नहा करके रेडी हो गई हूँ मैं, सब कुछ रेडी है। मैं टिकली लगाना भूल गई हूँ, तो सबसे पहले मैं टिकली लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। तो बस मैंने एक प्यारी सी बिंदी लगा ली और मैं चलती हूँ जहाँ पे सारा काम हो रहा है, और मैं दिखाती हूँ आपको वहाँ पे क्या हो रहा है और क्या क्या बनने वाला है, ये सब कुछ मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए लेके चलती हूँ, चलिए दिखाती हूँ मैं क्या हो रहा है यहाँ पे। बहुत सारा काम चल रहा है, बहुत सारा धुआं हो रहा है, गैस देख सकते हैं आप, चूल्हे वगैरह पे आज खाना बन रहा है। क्या क्या बनेगा आज? चाची आज क्या क्या बनेगा? आज यहाँ पे हमारे यहाँ शादी के बाद पूजा होता है। हाँ, यहाँ पे पूजा होता है और उसे बोलते हैं मौरी की पूजा। यहाँ पे दाल, चावल, पूड़ी, भाजी और कढ़ी, बरा, गुलौरी सब ये बनेगा हमारे यहाँ। और उसके बाद में हम यहाँ पे सबको निमंत्रण दिए हैं, हमारे यहाँ सब भोजन करेंगे, खाएंगे और हमारे यहाँ यहाँ पूजा होगा। तो जैसा कि मेरी सासू माँ ने बताया आपको कि आज क्या क्या बनने वाला है, और यहाँ पे सब तैयारी चल रही है। मेरी एक मम्मी जी चावल धो रही हैं और यहाँ पे दाल भी धोने के लिए रेडी करके रखा है। इसके साथ में देखिए इतने बड़े बड़े बर्तन में आज खाना बनने वाला है। और मेरी मम्मी जी यहाँ पर आ रही हैं काफ़ी लेट, और इसके साथ इसमें क्या पक रहा है? इसमें पानी चढ़ा दिया गया है दाल पकने के लिए, और इसमें चावल पक रहा है, इसमें चावल डाला जाएगा, और इसमें चावल पकाने के लिए पानी डाल दिया गया है। कम से कम 40-45 आदमी का खाना बनेगा। हाँ, ये वही सारा चूल्हा जो शादी के टाइम बना हुआ था और अभी तक ऐसे ही है। और यहाँ पे दाल बन रहा है फिलहाल इतना सारा क्वांटिटी में, मतलब यहाँ चूल्हे पे बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ वीडियो बना के थोड़ा बहुत हेल्प कर रही हूँ, और वीडियो बना रही हूँ और उनका साइड में थोड़ा बहुत हेल्प कर रही हूँ। तो यहाँ पे दाल डाला जा रहा है, पानी ऑलरेडी पहले से गर्म करके रखे थे और उसमें दाल को धो करके अच्छी तरह से डाला गया है। साथ में यहाँ पे चावल बन रहा है, तो चावल का भी पानी रखा गया है और मतलब ताकि पानी में बॉयल हो जाए, उसके बाद चावल डाला जाए। और यहाँ पे चावल धो करके रखा गया है। इसके साथ सब लोग बातें कर रहे हैं, काम हो रहा है। तो चलिए जैसे जैसे काम होता है वैसे वैसे मैं आज का व्लॉग बनाती हूँ और आप सबको दिखाती हूँ। अच्छा, क्या हो रहा है? क्या खा रहे बेटा? गंदी बात कर रही हो, दिखाओ मुंह दिखाओ। हाँ, ये देखिए त्रिशा ने कितना सारा मिट्टी खाया, दिखाओ मुंह करो, आदि करो, ऐसे मार खाओगी। चलो हटो, गंदी बात कर रही हो, फेंको सी बिट्टू, चलो नानी चलो मार मार मटकी सोन लगा था मार दिखा दे, देख मार दे मेरे को, चल उड़ा देखा था, देख ला देख ठीक से खाओगे। पर भैंस ही लेके आ जा रहे हैं। ईशा क्या कर रही हो? क्या कर लियो? ईशो क्या कर लियो? आपको नहीं आएगा? मम्मी इसका क्या बनने वाला है? भाजी, कौन सी भाजी? आलू टमाटर, आलू कोड़े की भाजी। तो इस टाइम मैं किचन में हूँ और यहाँ पे भी काम हो रहा है, दूध वगैरह मैं गर्म कर रही हूँ, और इसके साथ वहाँ पे भी खाने का प्रोग्राम वगैरह सब चल रहा है। तो बच्चे लोग हैं तो उनके लिए दूध गर्म करना पड़ता है, और यहाँ इसके साथ में थोड़ी सी मस्ती चल रही है, बच्चे मतलब छोटे छोटे सब मेरे घर में बच्चे, उन लोगों के साथ में बहुत मज़ा आता है, बहुत इन्जॉय करते हैं यहाँ पर हम लोग।
उस एंजॉय कुछ दिन का होता है ना, ऐसा लगता है कि रहना चाहिए, पर जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे एक्चुअल में एंजॉय नहीं कर पाते। जहाँ कुछ दिनों के लिए आते हैं वहाँ का कुछ मज़ा ही अलग होता है। तो ये सारी बातें हो जाती है। तो वहाँ पे खाना बन रहा है, यहाँ पे दूध वगैरह गर्म हो रहा है, और इसके साथ में क्या बताऊँ, खाना पीना आज कुछ नहीं खाया। जब तक वो पूजा नहीं होगा ना तब तक हम लोग कुछ खा नहीं सकते, सिर्फ चाय पी सकते हैं। तो अभी तक कुछ खाया पिया नहीं है मैंने। मैंने क्या मतलब, चार पांच औरत लोग हैं जो आज कुछ नहीं खाएंगे। पांच औरतों का पूजा होगा, उसके बाद में ही खाना पीना सब होगा। वो भी वही खाना पड़ेगा जो बाहर बन रहा है। चलिए दिखाती हूँ बाहर क्या बन रहा है, लेके चलती हूँ आपको बाहर में। तो यहाँ पे सब्ज़ी की तैयारी हो रही है, प्याज लहसुन आलू कोहरा सब लेके बैठा गया है। ये उड़द की दाल है जिसकी पकौड़ी बनेगी जो कि कड़ी में यूज़ होगा। और यहाँ पे ये कद्दू और आलू छीला जा रहा है, और साथ में इसे कट करके साफ़ किया जा रहा है। इसके साथ में मतलब ये मम्मी लोग हैं कुछ, मतलब मेरी सास लगेंगे सब, ये सारे लोग ये काम कर रहे हैं। इसके साथ में यहाँ पे कद्दू की सब्ज़ी की तैयारी हो रही है। कढ़ाई गर्म करके तेल डाल दिया है, पंचफोरन डाल दिया है, अदरक लहसुन मिर्ची और साथ में प्याज वगैरह डाल के छौंका जा रहा है। यहाँ पे पूड़ी की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे हम सब लोग काफ़ी बातें कर रहे हैं, बहुत मस्ती कर रहे हैं, और इसके साथ में यहाँ पे पूड़ी हम लोग बना रहे हैं। तो मेरे चाचा जी हैं, वो बार बार भैंस को लेके आ रहे हैं जा रहे हैं। जो भैंस होता है उसे एक्चुअली नहा रहे हैं, जो हमारे घर नहला रहे हैं, जो हमारे घर की भैंस है उन्हें। तो वो बार बार आ रहे जा रहे, बस हम उनका ही थोड़ा सा मजाक बना रहे थे। और यहाँ पे देखिए सारी मतलब गांव की औरतें मिलकर खाना बना रही हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत ही इन्जॉय कर रहे हैं। ये जो आप छोटी छोटी लड़की दिख रही है सारी मेरी ननद लगेंगी। और यहाँ पे देखिए एकदम फूकी फूकी मस्त पूरियाँ बन रही हैं, साथ में आप जो कोने में देख रहे हैं वो कढ़ी बन रहा है। और इसके साथ मुझे थोड़ी सी सर्दी हो गई है जिसकी वजह से मेरा गला बैठ गया है, उसके लिए आई एम सो सॉरी। तो देखिए यहाँ पे पूड़ियाँ बन रही है, साथ में यहाँ पे पूड़ियाँ बेली जा रही हैं, काढ़ी जा रही हैं, और इसके साथ में कढ़ी बना जा रहा है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही यम्मी खाना बन रहा है ये। तो ये देखिए ये कढ़ी है पकौड़ी, मतलब बेसन के पकौड़े की कढ़ी, साथ में जो उड़द दाल का वड़ा बना था वो भी इसमें डाला गया है। तो ये अभी पका नहीं है, इसे पका रही हैं। और ये जो बना रही है मेरी सबसे बड़ी सासू माँ हैं, इसके साथ में यहाँ पे पूड़ियाँ बनी रही हैं। चलिए दिखाती हूँ मैं आपको क्या क्या खाना बना है। एक्चुअली मैं थोड़ी सी लेट हो गई, मेरी बेबी रोने लगी तो मैं चली गई घर में। तो जो जो खाना बन के हो गया था वो ये कोड़ी की सब्ज़ी जो कि बहुत ही यम्मी बनी है। ये सब बर्तन गांव में इतनी फैसिलिटी नहीं होती, इसलिए ये सारे बर्तन रखा गया है। कढ़ी चावल पूड़ी और पकौड़ी, ये सारा खाना जो है आधे से ज़्यादा लोग ने खा लिया है। दाल में पानी ज़्यादा नहीं है, दाल में सिर्फ हे हेलो एवरीवन, अभी आपने जो थोड़ा सा छोटा सा वीडियो देखा वो ये था कि खाना वगैरह बन चुका है और मैं शूट कर रही थी, बट बहुत सारी औरतें गाँव की आ गई थी जो कि सारी सास जिठान यही सब लगती हैं। तो उनके सामने ये सारा रिकॉर्ड करना सब अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ा सा ऑड लग रहा था, तो इस वजह से मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। क्योंकि मेरी मम्मी से भी जो बड़ी हैं उनकी जेठानी वगैरह, तो वो सब बड़ी सास लगेंगी, तो मतलब गाँव वाले लोगों को ये थोड़ा सा ऑड लगता है, मतलब अच्छा नहीं लगता उनके लिए कि बहू ये सब करे। तो इसलिए मैंने नहीं रिकॉर्ड किया। जो भी था अभी जो दिखाया वो ये बहुत सारे खाने बने थे, जिसमें था दाल राइस था, पूरी है, पकौड़ी वाली कढ़ी है, इसके साथ में बड़ा मतलब उड़द दाल का वड़ा बनाया जाता है जिसे बड़ा बोला जाता है वो है, और बेसन का पकौड़ी है। ऐसा बहुत सारी वेराइटीज़ मतलब बने हुए हैं आज। तो जस्ट हम लोग ने अभी खाना खाया क्योंकि पाँच औरतों का पूजा था, तो उसमें मतलब एक मेरी जेठानी लगती है वो थी, मैं थी, मम्मी थी, मेरी दो सास थी, हम लोग पांच औरत लोग ने खाना खाया अभी जस्ट। और उसके बाद सारे गांव मतलब गांव वाले लोग जो भी रिलेटिव्स है गांव में वो सारे सब लोग खाना खा रहे हैं, और बस यही सब चल रहा है। और बिट्टू मस्ती करी, त्रिशा बहुत मस्ती कर रही है, दिखाती मैं आपको। एक माँ वो क्या कर रही हो, ये पूरा लहसुन है यहाँ पे, ये लहसुन है पूरा से साफ करना है। अभी ईशा क्या कर रही है, लहसुन भी ले लो। ईशा यहाँ पे मस्ती कर रही है और लहसुन वगैरह से खेल रही है, उसके लिए और सब नया है और मेरे लिए भी सब नया है, सब कुछ नया है। फिलहाल मैं इस टाइम अपने रूम में हूँ, अपने कमरे में हूँ, और क्या बताऊँ, बस सब चल रहा है ऐसे ही ठीक। आज हेयर वॉश किए थे और सूखे नहीं अच्छी तरह से, यहाँ पे जो साइड में थे बहुत ज़्यादा गिले गिले हो गए थे क्योंकि काम वगैरह करना पड़ा, तो फिर मैंने वो बन बना लिया था, बन बना लिया जिसकी वजह से बाल सूखे नहीं। तो अभी मैं फ़िलहाल सुखा रही हूँ, और चलिए थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। और या तो मतलब एक गाइस सॉरी, हाँ मैं खाने का वीडियो आप लोग को नहीं दिखा पाया, इसके लिए सो सॉरी। तो
जो भी रेसिपी यहाँ पे बनी है ना, मैं वहाँ पे जब मैं मुंबई में जाऊँगी तो मैं वहाँ पे आपको ये सारी रेसिपीज बना के दिखाऊँगी कि क्या क्या बना था और कैसे बना था। बहुत ही टेस्टी खाना है, बहुत ही टेस्टी खाना है। साथ में हाँ एक और बनी थी, कोहड़े की सब्ज़ी बनी थी, कद्दू की सब्ज़ी, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। इतनी टेस्टी थी, मतलब इतनी टेस्टी थी ना कि पूरे खाने में मुझे सिर्फ कद्दू की सब्ज़ी अच्छी लगी, जो कि मुझे पसंद है पर बहुत ज़्यादा पसंद नहीं, पर आज बहुत ही ऐसी वाली सब्ज़ी बनी थी। तो चलिए गाइस मैं यहाँ पे ये वीडियो एंडिंग करती हूँ और आई होप आपको ये वीडियो मुझे पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे न्यू चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा जो कि रागिनी पांडे नाम से। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब मेरा मजाक बनाते हैं, मैं यहाँ पर रिकॉर्ड करती हूँ तो चलिए बाय बाय।